हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मैं न्यू वीडियो के अंदर। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको लेकर आ चुका हूं अपनी इंडियन बाइक से ड्राइविंग सिटी गेम के अंदर एक न्यू सिटी। कसम से जो आज की जो सिटी है ना, काफी ज्यादा बढ़िया है। गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। हेलो भाई लोग, स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लेना। शुरू करते हैं आज की इस कमाल धमाल की वीडियो को। लोग सबसे पहले आप जैसे अपनी यहाँ पर फाइल को लोड करके आओगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बाहर देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक न्यू मॉडिफाइड हाउस। गाइस ये जो अपना न्यू हाउस है ये तो इतना मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन गाइस अपनी जो पूरी की पूरी सिटी है ना वो इतनी ज्यादा मॉडिफाइड है, जिसके बाद तो आप लोग भी कहोगे ब्यूटीफुल। सिंपली आपको घर के ऊपर यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स देने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि आपको इस टाइप के कुछ बिल्डिंग्स देने को मिल जाती है। छोटा सा घर भी देखने को मिल जाता है। भाई लोग अभी हम जल्दी से अपने बाहर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। लोग अब जैसे अपने घर के बाहर निकलोगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक रोड। एंड ये जो रोड है ना वो तुम लोग को बिल्कुल मॉडिफाइड देखने को मिलने वाला है। इसके बीच में तुम लोग को देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर कुछ दीवारे। अभी मैं तुम लोग को इसकी स्टार्टिंग के पास लेकर चल लेता हूँ। अभी ना मैं जल्दी से अपने वापस पीछे आ चुका हूं। गाइस यहां पर हमारी सिटी की स्टार्टिंग में होती है। गाइस यहां पर आपको एक बहुत ही बड़ा गेट देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अंदर एंटर हो सकते हो अपनी सिटी के अंदर। तो गाइस चलते हैं सीधा अपनी सिटी के अंदर। मैं आपको बता दूं, इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर आपको यहां पर ब्रिजेस देखने को मिलने वाली है। गाइस ये जो पूरी की पूरी ब्रिज है ना वो आपको पूरी सिटी में देखने को मिलने वाली है। अभी ना फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं हमने यहां पर अपनी दूसरी लोकेशन पर, गाइस जिसको काफी ज्यादा अपने मेहनत से बनाया गया है। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गणपति पप्पा के यहाँ पर मंडप में। इस सिटी में आपको एक बहुत ही बड़ा मंदिर भी देखने को मिल जाता है। चलो गाइस उस वाली लोकेशन पर चलते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इस वाले रोड से जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप खुद ही देख लेना। बाकी आप यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ यहाँ पर अपनी दूसरी लोकेशन पर। गाइस आपको बड़े वाले मंदिर के ऊपर जाने के लिए आपको सिंपली इस वाले रोड को यहाँ पर लेना पड़ेगा। थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा चौक। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी डिजाइन लगी पड़ी है। तो मैं काम कर लेता हूँ, जल्दी से यहाँ पर पैदल चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिजाइन देखने को मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर आपको स्टेप से देखने को मिल जाती है। मुझे ये कोई अलग चीज लग रही है, जैसे कि मुझे ये तिलक लग रहा है। लेट्स गो गाइस, अभी चलते सीधा अपने मंदिर के पास। मंदिर के लिए आपको सिंपली इस वाले रोड से जाना पड़ेगा, जहाँ पर इस वक्त मैं जा रहा हूँ आपको सीधा सीधा इसी साइड पर चले जाना है। यहाँ पर आपको कुछ मॉडिफाइड यहाँ पर रोड भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको कुछ पंखे वो देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर मेन लोकेशन की तरफ, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा मंदिर देखने को मिल जाता है। ये जो ना यहाँ पर आप बहुत ही बड़ा यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर मतलब एक जो प्लेट देख रहे हो ना, ये अपना पूरा का पूरा मंदिर है। यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ओम, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसी साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा गणेश चक्र। यहाँ पर जो दीवार लगी पड़ी है ना, इसके पीछे एक सरप्राइज है, आप उसको खुद ही देख लेना। अभी फिलहाल हम लोग चलते सीधा अपने यहाँ पर दूसरी लोकेशन की तरफ। दूसरी लोकेशन के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इसी रोड से वापस आना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको चौक से सीधा यहाँ पर इस वाले सीधे सीधे रोड पर जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा रोड है ना काफी ज्यादा बढ़िया डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना जो ग्रे कलर का यहाँ पर फ्लोर है उसको यहाँ पर कैसे दीवार की तरह लगाया गया है। उसके बीच में यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे ग्रीन कलर के यहाँ पर डिजाइन लगाई गई है। अभी आपको यहाँ पर राइट मुड़ जाना है। जी हां गाइस, आपको दूसरी लोकेशन जो है ना वो अपने राइट में देखने को मिलने वाले। तो लेट्स गो, चलते हैं सीधा अपने राइट में। लेफ्ट में आपको यहाँ पर एक यहाँ पर होटल भी देखने को मिलने वाले, आप जिसको आप यहाँ पर खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। अब फिलहाल हम लोग चलते सीधा टाइम बिना वेस्ट किए यहाँ पर अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। हमारा जो दूसरा लोकेशन है ना वो यहाँ पर अपना ये वाला रहने वाला है। जी हां गाइस, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा बस स्टैंड देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है ना वो है गाइस फ्लाइंग सिटी। जी हां गाइस, हम लोग चल रहे हैं ना अपनी फ्लाइंग सिटी के लिए। आपको सिंपली अपने यहाँ पर इस वाले रोड के पास जाना पड़ेगा। इस वीड मैंने यहाँ पर अनजाने में एक जंप लगा दी, जिसके बाद तो मैं यहाँ पर सही तरह से इस वाली ब्रिज पे आ गया। एंड गाइस आपको इस वाली ब्रिज पे आ जाना है, जिसके बाद आपको थोड़ा ऊपर चलने के बाद आप सीधा पहुंच जाओगे फ्लाइंग सिटी पे। गाइस आपको सिंपली यहाँ पर इस वाले यहाँ पर रोड से आना है, जिसके बाद आप यहाँ पर फ्लाइंग सिटी के पास पहुंच जाओगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते सीधा इस वाले रोड पर। मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो भाई जल्दी से कर दो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर दूसरी लोकेशन में, जो कि अपनी फ्लाइंग सिटी रहने वाली है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें बहुत बिल्डिंग देखने को मिल जाती है, जो कि हवा के अंदर फ्लाई कर रही हैं। यहीं पर आपको कुछ छोटे मोटे घर देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम चढ़ते हैं यहाँ पर इसी वाले लोकेशन की दूसरी जगह पर। गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर मुड़ जाना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी छोटी सी सिटी। गाइस यहाँ पर आपको कुछ सिटी देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी यहाँ पर कोई यहाँ पर शॉप देखने को मिल जाएंगी। जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं वाले शॉप के पास। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी सीधा डिस लोकेशन की तरफ। जी गाइस, उसके लिए आपको मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, यहाँ से जंप कर लेता हूँ। मैं आई थिंक मैं सही
तरह से यहाँ पर जंप कर लूंगा एंड मैं बच भी जाऊंगा। वेट गाइस, वेट एंड गाइस मैंने यहाँ पर जंप कर लिया एंड गाइस मैं देखूं यहाँ पर कैसे जंप करके बच चुका हूँ। अभी हम लोग बढ़ते सीधा अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जिसके लिए आपको सिंपली इस वाले रोड से सीधा सीधा जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर कुछ अलग ही जहाँ पर जगह देखने को मिल जाएगी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या जगह है, मेरे ख्याल से ये एक बस स्टॉप है। काफी ज्यादा देर के बाद सोचने के बाद मुझे याद आया ये मैं भी यहाँ पर अपना बस स्टॉप हूँ। बाकी आपको ये क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना। अमेजिंग बात तो ये है कि आपको यहाँ पर एक सिटी नहीं बल्कि दो दो सिटी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक बस स्टॉप, के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ पर ब्रिज देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर से यहाँ पर नीचे से यहाँ पर ट्रेन भी जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पर इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो एंड गाइस यहाँ पर आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है ना वो कोई यहाँ पर सिटी है, ठीक है, वो जो हमने प्रोजेक्ट नहीं है, वो अपनी बहुत ही बड़ी सिटी है। मैं आपको जल्दी से वहां पर चल के दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली इसी वाले रोड से जाना पड़ेगा सीधा सीधा। मैंने तो अपनी यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर लिया एंड मैं थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर अपने उस वाली सिटी के अंदर पहुंच चुका हूँ। कसम से यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ी सिटी देखने को मिल जाती है, मतलब कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप पहुंच चुके हो एक अलग ही दुनिया में, मतलब कि यहाँ पर आपको एक अलग सा ट्रेन स्टेशन देखने को मिल जाएगा, अलग से यहाँ पर पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक यहाँ पर अपना ट्रेन स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन भी आ सकती है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो के रहने वाली अपने यहाँ पर ये पेट्रोल पंप। तो हम लोग पढ़ते हैं उस वाले अपने पेट्रोल पंप की तरफ। पेट्रोल पंप के बगल में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बस स्टैंड, जो कि आपको अलग ही सिटी में देखने को मिल जाता है। अभी मैं हम लोग चलते सीधा अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ एंड जल्दी से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अभी जो हमारी लोकेशन है ना वो लास्ट होने वाली, लेकिन गाइस ये जो लोकेशन है ना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस सिटी में आपको देखने को मिल जाता है महादेव का मंदिर। जी हाँ गाइस, आपको सिंपली इस वाले यहाँ पर अपने गेट से एंटर होना पड़ेगा, जिसके पास सामने आपको एक बहुत ही बड़ा महादेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। मजाक से इतना बड़ा मंदिर है ना, इतना बड़ा मंदिर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स गो गाइस, चलते हैं सीधा अपने यहाँ पर इस वाले लोकेशन पर। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर, यहाँ से आप इसके एंटर भी हो सकते हो। फिलहाल तो हम लोग अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते सीधा अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक लाइन में खड़े होने का। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पर अपने यहाँ पर इस वाले मंदिर के अंदर भी एंटर हो सकते हो। सिंपली आपको उसके लिए यहाँ पर अपनी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको उस वाली लाइन के ग्रेल में खड़ा होना पड़ेगा, ना कि लाइन में। जी हाँ गाइस, फिर भी आप लाइन में खड़े हो जाओगे। सिंपली आपको इस वाली लाइन से यहाँ पर सीधा अंदर चले जाना है। जी हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको क्रॉस करना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस वाली जगह से क्रॉस होना है। जी हाँ, आपको इससे क्रॉस होना है, उसके बाद यहाँ पर आप पहुंच जाओगे अपने दूसरे लोकेशन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाली जगह से सीधा चले जाना है अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि आपको इसी साइड से देने को मिल जाएगी। मतलब कि आपको अपने आगे चलकर एंड गाइस आपको यहाँ पर लेफ्ट में मुड़ जाना है, जिसके बाद यहाँ पर आप पहुंच जाओगे अपने उस वाले मंदिर की लोकेशन पर। जी हाँ गाइस, सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट में यहाँ पर नंदी बेल देखने को मिल जाएगी, सामने आपको एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। इतनी आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी देखने को मिल जाती है। बाकी इस सिटी के अंदर तो काफी ज्यादा चीजें जिनको मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सबकी चीजों का जो लिंक है ना वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो जाओ उस वाली लिंक को ले लो एंड गाइस अपनी सिटी को एंजॉय करो। बस गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर नहीं, मैं मिलता हूँ ऐसी कमाल धमाल की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।